राम राम जी, सबको प्रणाम नमस्ते। वैसे तो कुछ टाइम के लिए फेसबुक से दूर रहने का मन था, लेकिन मुद्दा ऐसा सबने उठाया कि बोलना भी जरूरी है। SYL गाना आया सिद्धू मूसेवाले का। सबसे पहला सवाल तो मैं यही करना चाहता हूँ उनके माँ बाप से भी और टीम से भी। भाई इतना तो महसूस जरूर होया होगा कि कहीं ना कहीं भाई ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत विरोध तो गाने का होगा, थोड़ा बहुत तो कुछ लोग खिलाफ होंगे। जब ऐसा लग रहा था तो उन्होंने गाना रिलीज नहीं करना चाहिए था। एक गाना बिना कोई ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा काम कोई अटकदा हो, बिल्कुल भी रिलीज नहीं करना चाहिए था। मैं बता देना चाहता हूँ उन टीम वालों को भी और फैमिली को भी। हालांकि मैं पहले भी और बहुत सारे लोग मेरे जैसे और भी होंगे, पहले भी मैं सिद्धू की विचारधारा से बहुत ज्यादा सहमत नहीं था। लेखनी का मैं फैन था, लेखनी अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी। और इतना सपोर्ट तो पंजाब के कलाकारों ने भी नहीं कराया होगा जितना हरियाणा का ने कराया, क्योंकि जो हादसा हुआ ये पीड़ा सबकी थी। सबको यूं लगा कि भाई एक माँ बाप का इकलौता बेटा गया है, और वो पीड़ा जायज भी थी। किसी को इस तरह से छीन लेना, एक कलाकार को ऐसे मार देना, वो पीड़ा थी। उस पीड़ा में हम सारे बोले, और लगभग बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं हरियाणा के जो रोए भी हैं। हरियाणा के लोगों ने इतनी रील बनाई है, इतनी शायद पंजाब के लोगों ने भी नहीं बनाई हो। दूसरी बात कि कुछ साथी अपने वाले भी हरियाणा के भी इस गाने को समझाने की कोशिश करने लग रहे हैं। वो शुरू की जो दो लाइन है कि हमने मारा हिमाचल और हरियाणा दे दो, बिल्कुल चलो ठीक है भाई। अगले ने वो एक पीड़ा था ये बात कही भाई मारा भाई न्यारा पार्ट है वो उल्टा दे दो। आगे एक लाइन कही भाई पानी का टपका नहीं देंगे। एक छोटे से एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझाना भी चाहूंगा, पूछना भी चाहूंगा, दो सगे भाई अगर अलग अलग हो जाए लुगाइयों की लड़ाई में, भाई सियासत लुगाई है जो सियासत ने अगर अलग करे हैं, अगर दो सगे भाई अलग अलग हो जाए लड़ाई में और बड़ना भाई रुक के मारे जा रहा है मेरा छोटा भाई ने आरा पाट दिया मैंने उल्टा दे दो, और छोटा भाई ने नू देख लिया उल्टा मिलने के तो चांस नहीं बन रहे, और छोटा भाई बड़े तेन रिक्वेस्ट करके बड़े भाई उल्टा तो नहीं आ पाऊंगा मैं तेरे दौरे, पर मेरा जुगाड़ कम है, मैं भूखा मरूं, दो रोटी का मेरा भी काम कर दे। अरे बढ़ना कह देना भाई रोटी तो देख मेरे कम पड़ रही है, तन्ने दूंगा तो मेरी थोड़ी रह जाएगी, बाकी पीड़ा बहुत है मेरे दिल में, तू अलग हो गया मेरे से। तो ये एक फेक सी और बनावटी सी बात लग गया करे भाई, पीड़ा भी बताओ और पानी का टपका नहीं देना चाहते थे उस छोटे भाई थे जिसने जरूरत है। बहुत सारे एरिया ऐसा है हरियाणा का जिसने पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। बड़े बुजुर्ग जो पंजाब के हैं सबसे पहले उन ना गा के कहनी चाहिए थी ये बात, भाई सिद्धू ने तो जो लिख दिया गा दिया वो अलग मैटर है, पहली गलती तो रही रिलीज करने वालों की। दूसरी रही जो बड़े बुजुर्ग हैं उन ना गाना चाहिए था, उन्हें बताना चाहिए था कि जिस टाइम किसान आंदोलन होया उस टाइम अगर हरियाणा के लोग कह दे नहीं जो कैंटर भर भर के गए है नी दूध के, जो गाड़ी भर भर के गई है खाने की सब्जी की हलवे की, उड़े जो कढ़ाई चाली है घी ले लेगा घी के पिप्पे ले लेगा लोग गए हैं, अगर उस टाइम हरियाणा ये कह देता कि रोटी तो छोड़ो तुमने एक बुड़की नहीं देंगे, तो भाई साहब चौथा दिन ट्रैक्टर उल्टे पंजाब का नहीं मुड़ जर, चौथा दिन ये आंदोलन एक साल नहीं चलना था। छोटा भाई होके बड़े भाई के लिए जो जिम्मेदारी थी वो सारी निभाई है हरियाणा ने, और बहुत इज्जत के साथ निभाई है। पंजाब के बुजुर्गों का फर्ज बनता था कि भाई जो भाईचारा इकट्ठा होया दोबारा एक गाने की वजह से नहीं पटना चाहिए। हालांकि एक बात और है कि एक कलाकार के कहने तनु को नहीं भाई पानी रुक जाएगा, भाई उसने अपना तथाकथित बयान दे दिया कि पानी का टपका नहीं देंगे, तो ये उसके हाथ में पावर नहीं है, उसने ठीक अपनी प्रतिक्रिया दे दी इस बारे में, नहीं देनी चाहिए थी। बुजुर्ग ना कहने कहना चाहिए था भाई उस बच्चे से गलती हुई है, हम भाई भाई हैं, सियासत ने मन पाड़ रखे हैं, लेकिन ऐसा बैर द्वेष हमारे मन में नहीं है कि मारे पे जो पानी है वो ना देने की वजह से तुम भूखे मरो तिसाए मरो। आपस में एक भाईचारा का संदेश देना चाहिए था। बड़े बड़े लोगों के मैंने इसमें बाइट सुनी है, वीडियो देखी है, जो एक आदमी भी स्टैंड नहीं ले रहा कि हरियाणा की ये पीड़ा जायज है। जो भाई गाने को समझाने लग रहे उन तभी कहना चाहूंगा इतना मत समझाओ, सब ने समझ में आवे, कोशिश मत करो किसी चीज पर लिपा पोती करने की। हालांकि मैं खुद उन लोगों में शामिल हूं जिसको पीड़ा हुई थी सिद्धू के जाने की, आज भी है, एक परिवार से एक बेटा अगर गया है तो गलती होता है, किसी के परिवार से भी जाओ, लेकिन उसके बाद ऐसी चीजें करना एक मतलब उस ऐसा तो है कि है नहीं कि उसने कोई पॉपुलरिटी की नीड थी या अब कोई मशहूर होने की नीड थी, दुनिया जानती है
अब इस गाने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई और गाना डाल देते, बहुत गाने करके जा रहा है। और एक अपील और मैं करना चाहूंगा साथियों से, जितने भी साथी बैठे हैं, बोल सुने तो कह दी जो कहनी थी। पहली अपील तो घर क्या थे कि गाने ने डिलीट कर दो। दूसरी अपील है वहां के बुजुर्गों से कि आप सामने आके कहो कि ये हमारा हरियाणा वही है जिसने बॉर्डर पर आकर हमारे तक रोटी दी, हमारे तक पानी दिया, हमारा साथ दिया और इस आंदोलन की लड़ाई को जीता। तीसरी अपील मैं आप सब साथियों से भी करना चाहूंगा, भाई सबके अपने अपने विचारधारा है, किसी ने गाना सही लागे, किसी ने गलत लागे। जिसने गलत लागे वो रिपोर्ट करो, ब्लॉक करो, जिसने सही लागे वो अपने हिसाब से सुनो। लेकिन कुछ भी विरोध करो तो आप गाड़ियों के साथ ना करो। हरियाणा के साथियों से भी अपील है, या तो चलो पंजाब के बंदे ने कर दिया और हमारे लिए सफाई देना आ गया कि गाना बढ़िया है, अगर हरियाणा का कोई कलाकार ऐसा गाना कर देता ना पंजाब के खिलाफ कि हम पानी लेकर आवांगे चाहे नाड़ पर कुलाड़ी चाल जी और नू चाल जी, ये दो बात हम लिख देते कोई भी कलाकार, तो हरियाणा वाले ऐसे ज्ञान पेल देते मारे आड़े कि मुश्किल से भाईचारा जोड़ा था, बड़ी मुश्किल बॉर्डर पर कट्ठे किसान हुए थे, तेरे जिसे बांड आ गए जो हमने नेट नारे पाड़ेंगे हमारे मना न पाड़ेंगे, बेरनी के ज्ञान देते जो भी सफाई देने लग रहे हैं कि भाई गाना गलत नहीं है। मैं गलत सही पे नहीं जा रहा, मैं इस बात पे जा रहा हूँ कि पंजाब के बुजुर्गों ने सामने आके ये चीजें कहनी चाहिए थी और उसके घर वालों ने गाना रिलीज नहीं करना चाहिए था। सभी साथियों से अपील है, कल तक हम सारे रोए हैं जब ये हादसा हुआ, जब मर्डर हुआ, सबने पोस्ट डाल ली है कि गलत होया, परमात्मा से दुआ करते हैं परिवार को मजबूती मिले, ये लाइन लगभग सबने लिखी है। तो उनसे अपील भी करता हूँ, भाई उनने के गलती करी के नहीं वो अलग बात है, लेकिन आज हमारा फर्ज ये नहीं बनता कि उस परिवार के लिए जिसको हम कह रहे थे मजबूती मिले उसको गालियां दे, वो भी उस बंदे को जो जा चुका है, उसने गलती करी, उसने गाना डाला ने गाना बनाया, घर क्या ने गाना डाला, उसकी ये लास्ट गलती थी नो मानो, क्योंकि आप कुछ भी विरोध करांगे उसका जवाब नहीं आना, वो उड़े बैठे है जहां से जवाब कभी नहीं आते, तो उसका जवाब नहीं आना उसकी लास्ट गलती मान के, छोटा मान के, बड़ा मान के, जैसे मानना है तुमने, कलाकार मान के या ये मान के कि कोई नहीं जा चुका है, वो अब है नहीं इस दुनिया में, उसने माफ करो और जो भाईचारा है उसको बनाने की कोशिश करो, हरियाणा के लोग भी पंजाब के लोग भी। धन्यवाद।